Hey guys, it's me. Welcome or welcome back to my channel. So today in this video, I'll be sharing with you guys a day in my life and also why I'm now joining Yakin 2.0 this year. So without further ado, like and subscribe and let's get started. तो अभी मैं जा रही हूँ फिज़िक्स करने एंड फिज़िक्स में आई एम गोइंग टू गो थ्रू दीज लेक्चर नोट्स. तो ये उम्मीद के लेक्चर नोट्स हैं. तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर मैंने ऑलरेडी कर लिया है एंड अभी मैं आज ये पूरे चैप्टर के फॉर्मूला वगैरह एंड जो भी थ्योरी है एक बार फिर से पूरा चैप्टर रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन. सो आई टोल्ड यू गाइज कि मेरे लैपटॉप में कुछ दिक्कत आ रही है एंड इसीलिए वो चल नहीं रहा है. एंड इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम तो आपको पता ही होगा कि क्या दिक्कत है. तो एक्चुअली मैं इसके डिस्प्ले में कुछ दिक्कत आ रही है एंड स्क्रीन इज शेकिंग. तो मैंने कस्टमर केयर पे बात की तो उन्होंने बोला कि इसका स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा, लाइक डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा एंड इट इज़ कॉस्टिंग अराउंड 17,000 टू बी एग्जैक्ट, बट नियरली 20,000. एंड दिस लैपटॉप इज़ 5 years old एंड कुछ महीने पहले इसमें कुछ बैटरी का भी अलर्ट आ रहा था. तो मेरे को नहीं लगता मैं इसको बनवाने वाली हूँ, बिकॉज अभी अगर मैं डिस्प्ले बनवा लूँगी एंड फिर बाद में अगर बैटरी का इशू आ गया तो लैपटॉप से ज़्यादा तो खर्चा बनवाने में हो जाएगा. सो राइट नाउ आई एम थिंकिंग मे बी आई एम गोना बाय न्यू वन, बट लिटरली आई डोंट हैव बजट फॉर अ न्यू वन राइट नाउ. सो लेट्स सी व्हाट आई डू एंड इफ यू गाइस हैव एनी रिकमेंडेशन फॉर अ लैपटॉप और अ टैबलेट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. सो आई एम डन विद रिवाइजिंग द होल चैप्टर एंड इट्स करेंटली 12:55 एंड इट टुक मी अराउंड 1.5 hours टू कम्प्लीट द होल चैप्टर, क्योंकि मैंने अभी इसको अभी कुछ दिन पहले ही कम्प्लीट किया है. तो मैंने सोचा था कि एक बार सारे फार्मूला एक बार वापस से रिवाइज कर लूँगी. सो आई एम डन विद दिस एंड आज ही मैं इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगी. सो यस, प्रीटी मच दैट्स इट एंड आई विल टेक अ ब्रेक एंड आई विल मीट यू गाइस आफ्टर दैट. अभी आई एम डन विथ माई ब्रांच एंड अभी मैंने थोड़ी देर का ब्रेक भी ले लिया है एंड अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ माई स्टडीज़ एंड अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ बायो एंड बायो के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस बुक बॉटनी का मेडिजी बाय विपिन सर. तो अभी मैं चैप्टर जो करने जा रही हूँ वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. इसका इंडेक्स किधर गया? सो यस, अभी मैं मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर करूँगी एंड मैं आज आधा चैप्टर करूँगी क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है एंड याद करने की भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें. तो अभी हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एंड आज आधा कंप्लीट करते हैं. तो चलो अब मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं एंड साथ में बात करते हैं व्हाई आई एम नॉट जॉइनिंग यकीन 2.0 दिस ईयर. तो ये कोई भी टीचर से रिलेटेड नहीं है, दिस इज़ ओनली रिलेटेड टू मी. तो मैंने पिछले साल यकीन 2.0 ज्वाइन किया था, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं. तो एक्चुअल में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उसमें सिलेबस काफ़ी लेट से कंप्लीट होता है. टीचर स्टार्टिंग में लाइक काफ़ी धीरे धीरे पढ़ाते हैं एंड बाद में जाके थोड़ा सा स्पीड बढ़ता है एंड लास्ट में जाके एकदम से बढ़ जाता है. प्लस सिलेबस कंप्लीशन काफ़ी लेट से होता है एंड उसके बाद फिर रिवीजन का टाइम नहीं मिलता. दैट इज़ लाइक द बिगेस्ट इशू फॉर मी. बट इफ़ समवन इज़ स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, लाइक सब बेसिक से कंप्लीट करवाते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो एंड कोई भी टीचर हो, सब लोग बेसिक से ही स्टार्ट करवाते हैं. लाइक इतना बेसिक से कि आप सोच भी नहीं सकते. अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपको डेफिनेटली उनका समझ में आएगा. एंड जिसका सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है उसको लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है. लाइक मेरा जो सिलेबस है वो हो चुका है, मैंने पढ़ चुका है सब चीज़ एक बार. तो अगर मैं फिर से लेक्चर देखने जाऊँगी एंड एक लेक्चर का ड्यूरेशन 2 hours होता है, ऐसे 3 lectures होते हैं एक दिन में, तो दिन के 6 से 7 hours तो इसी में निकल जाएंगे एंड 2 hours का लेक्चर 2 hours में कभी कम्प्लीट नहीं होता. ये तो मतलब सोच के चलो कि 2 hours का अगर लेक्चर है 2 hours में कभी नहीं कंप्लीट होने वाला. मेरा तो आज तक नहीं हुआ, भले आप 2x पे देख लो, किसी पे भी देख लो, वो 2.5 से 3 hours एक लेक्चर को देखने में लग ही जाते हैं, विच आई कांट अफोर्ड राइट नाउ. क्योंकि जितना जल्दी हो सके मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है एंड सिर्फ लेक्चर देखने से वो नहीं होगा. एंड लेक्चर पूरा देखना एंड उसके बाद DPP सॉल्व करने में पूरा दिन निकल जाता है एंड सेल्फ स्टडी का इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है.
सो स्टिल मेरे पास पुराने वाले बैच का एक्सेस है, तो अगर मेरे को किसी चैप्टर में दिक्कत होगी सो आई एम गोना वॉच द लेक्चर। ऐसा मैं नहीं कह रही कि मैं लेक्चर बिल्कुल भी नहीं देखूंगी, पर मेनली रिवीजन के लिए तो मैं वन शॉट देखूंगी, एंड मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आई एम गोना सॉल्व मॉड्यूल्स एंड मोर क्वेश्चन के लिए बुक। तो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए अभी तो मैं आकाश के मॉड्यूल को फॉलो कर रही हूँ, प्लस पीडब्ल्यू की जो पुरानी डीपीपीज हैं उसको। तो अगर इन शॉर्ट में बताऊँ कि मैं क्यों नहीं ज्वाइन कर रही, बेसिकली लाइक पूरा दिन लेक्चर नहीं देखना है मेरे को, एंड प्लस मेरे पास पुराना वाला बैच है तो अगर मेरे को किसी चैप्टर के लेक्चर्स देखने होंगे तो मैं उसको रेफर करूंगी, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी देखे हुए हैं तो उसको कंप्लीट करना भी ज़्यादा आसान होगा मेरे लिए। प्लस डीपीपीज वगैरह के लिए तो मैं पुरानी वाली ही सॉल्व कर लूंगी, एंड आकाश के मॉड्यूल फॉलो कर रही हूँ तो इसी वजह से मैंने नए बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है। बट द टीचर्स आर ग्रेट, वो अभी भी सेम है टीचर्स पिछले वाले। सो इफ यू आर समवन हु इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड आपको कुछ भी नहीं आता है, सो यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन द बैच, एंड काफ़ी अच्छा है, टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं सब चीज़। सो या दैट्स इट। तो अभी लिटरली किसी का भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, किताब तो बिल्कुल भी उठाने का मन नहीं कर रहा है, बट फिर भी हमको रिवीजन करनी है, क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग से सब चीज़ निकल जाएगी। तो इसी के लिए नीट प्रेप एसेंशियल ऐप के अभ्यास बैच में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, विच इज़ अभ्यास एसेंशियल। तो ये है क्या, के डिटेल बताने के पहले कि दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन टिल 8th of July। ठीक है, अब बात करते हैं कि अभ्यास एसेंशियल है क्या। तो इसमें ना आपको एक चैप्टर के 75 से 100 हाईएस्ट ईल्ड क्वेश्चन मिलते, तो आप पूरे चैप्टर को इतने क्वेश्चन से अच्छे से रिवाइज कर सकते। प्लस इसमें ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के पेज वाइज मैनर में डिवाइडेड है, तो जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता होगा कि वो एनसीईआरटी के किस पेज से, एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि मेरे एनसीईआरटी की कौन से पेज वीक है, तो आप जाके एनसीईआरटी खोल के उस पेज को रीड करके वापस से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए पेज वाइज एनसीईआरटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड इसमें सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं, एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल, बैक एक्सरसाइज एंड इवन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है, एंड ये सारे के सारे एमसीक्यू फॉर्मेट में है विद द ऑडियो एंड वीडियो एक्सप्लेनेशन। तो आपको लिटरली कोई और बुक या कोई और रिसोर्स खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब चीज एक ही जगह पे अवेलेबल है। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसको बुकमार्क कर सकते हो, एंड बाद में जाके सिर्फ बुकमार्क वाले क्वेश्चन को देख सकते हो। जब से एनटी एग्जाम करवा रहे हैं 2019 से लेके 24 तक, एंड जितने भी एक्स्ट्रा पेपर्स हुए हैं सबके पीवाईक्यूज भी एमसीक्यू फॉर्मेट में इंक्लूडेड है। एंड अभी अगर आप अभ्यास बैच परचेज करते हो तो आपको ये अभ्यास एसेंशियल और एआर पावर अप कोर्स दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिलेगा फॉर नीट 2025 एंड 2026। एंड अब आप सोचोगे कि अगर मैंने अभ्यास बैच ले लिया एंड मेरा रीनीट में सिलेक्शन हो गया तो फिर मेरे तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होगा। अगर रीनीट दोबारा से होता है ना, आपको उसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो आप बस इनको एक मेल भेज दो अपने नीट के स्कोर कार्ड के साथ, एंड आपको बचे हुए कोर्स के जो भी फीस है वो रिटर्न हो जाएगी, एंड लिमिटेड टाइम के लिए आपको अभ्यास बैच के साथ अभ्यास एसेंशियल और एआर पावर अप कोर्स एंड पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी तीनों फ्री मिलेंगे। तो व्हाट इज एआर पावर अप कोर्स? तो एआर पावर अप कोर्स में ना आपको मैचिंग टाइम स्टेटमेंट बेस्ड ग्राफ एसेशन रीजन ये सारे टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि एनटीए ना अभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है तो हमको इन टाइप के क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी, तो आपको इसको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। एंड 8th of July तक अभ्यास एसेंशियल इज एब्सोल्युटली फ्री, तो एक बार चेकआउट तो करो, एंड यू कैन डाउनलोड नीट प्रेप का ऐप बाय यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। तो अभी मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, एंड मैं अभी ऐसे लेटी हुई थी, बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, पर फिर मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है कुछ ही पढ़ लेते हैं, तो इसीलिए अभी मैंने बायो की एनसीईआरटी उठाई है, एंड अभी मैं ब्रीदिंग वाले चैप्टर को रीड करने जा रही हूँ एनसीईआरटी से। वैसे तो ये मेरे आज के टारगेट में बिल्कुल भी नहीं था, पर टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है कि मैं कुछ पढ़ ही लूँ। सो चलो अभी इस वाले चैप्टर को रीड करते हैं। तो जब मैं ये चैप्टर लेके बैठी थी ना, मेरा लिटरली बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, एंड शाम को पता नहीं क्यों आजकल मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आने लगी है ना, एंड मैं दोपहर में सोई नहीं थी तो मेरे को और ज़्यादा नींद आ रही थी, एंड कुछ बिल्कुल पढ़ा ही नहीं जाता शाम को, एंड मैं सुबह सोच रही हूँ सुबह सुबह उठने के लिए, बट वो भी नहीं हो रहा है मेरे से, क्योंकि रात में नींद ही नहीं लग रही है, रात में लेट सो रही हूँ, सुबह लेट उठ रही हूँ, सब चीज़ ऐसे ही चल रहा है। बट आई रियली नीड टू चेंज माई शेड्यूल, एंड सब चीज़ वापस से ट्रैक पे लाना पड़ेगा। सो शुड वी स्टार्ट अ चैलेंज और समथिंग एंड अ गिव अवे एट द एंड ऑफ दैट चैलेंज? तो मेरे को कमेंट्स में बताना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। सो मे बी 5 AM 6 AM का चैलेंज रखेंगे फॉर 15 to 20 days,
नियरली। सो मेरे को बताना कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड गिव अवे भी साथ में रखेंगे, सो लेट मी नो इफ़ यू वॉन्ट दैट। सो मेरा ये चैप्टर हो गया, मैंने पूरी एनसीईआरटी रीड कर ली इसकी, तो एक बार अच्छे से रिवीजन हो गया है इसका एंड बाद में मैं इसके क्वेश्चन भी लगा लूँगी तो पूरे तरीके से हो जाएगा। तो ऐसे ही आप भी क्या करो, जब भी आपको कुछ पढ़ने का मन ना करे ना, ऐसा सब्जेक्ट उठाओ जो आपको आता है एंड ईजी है। तो देखो मेरा अभी एक चैप्टर हो गया जबकि मेरा पढ़ने का मन भी नहीं था। तो चलो अभी लेते हैं थोड़ी देर का ब्रेक एंड आई विल मीट यू गाइस आफ्टर दैट। हे गाइस, सो इट्स करेंटली 12:30 रात के एंड अभी मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी एंड आई थॉट कि एक और स्टडी सेशन मैं कर पाऊँगी, बट अभी मेरे को लिटरली बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। सो आई एम गोना गो टू स्लीप एंड आई विल मीट यू गाइस टुमारो। सो हे गाइस, सो इट्स द नेक्स्ट डे एंड गुड मॉर्निंग। सो नाउ आई एम गोना स्टार्ट माय डे एंड स्टार्ट विद माय स्टडीज एंड आई एम गोना स्टार्ट माय स्टडीज विद फिजिक्स एंड मैं अभी जा रही हूँ फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले अभी मैं सेक्शन ए वाला सॉल्व करूँगी एंड इसके अभी मैं 2 या 3 टॉपिक ही सॉल्व करूँगी, सो इट वुड बी टोटल अराउंड लाइक 30 to 40 क्वेश्चंस। सो यस, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी और नन ऑफ दीज। तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, तो इट वुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी, बट ऐसा नहीं है, वो गलत आंसर है। स्केलर क्वांटिटी वुड बी द करेक्ट आंसर बिकॉज टीचर ने हमको यही बताया है एंड दिस इज द ट्रूथ, स्केलर क्वांटिटी वुड बी द आंसर। सो चलो मैं सारे क्वेश्चन पढ़ पढ़ के नहीं सुना सकती, आई विल मीट यू गाइस आफ्टर कंप्लीटिंग इट। So this is editing me. So I was just editing the video and मेरे को पता चला कि कुछ clips आखिरी के delete हो गए हैं and I also did not film an outro for this video. So pretty much that's it for today's video. I hope you guys liked it. If you did, don't forget to like and subscribe and thanks for watching till the end and I'll see you guys in my next video. Till then, take care. I love you guys so much. Bye guys.